अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और आज का ब्लॉग होने वाला बड़ा ही मज़ेदार और फ़न से भरपूर। और कुछ दिनों के बाद, मतलब काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग जो अपलोड किया, कुछ बस मसरूफियत थी और कुछ गेस्ट आए हुए थे और उन गेस्ट के साथ क्या फ़न किया, क्या मज़ा किया, वो भी आपको आगे चल कर दिखाऊँगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं छोटे छोटे बस अपने काम निपटा रही थी और गर्मी इतनी ज़्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये शुक्र है कि बाद में मौसम बहुत अच्छा हो गया जब गेस्ट वगैरह आए, वरना आप जानते हैं कि लाहौर में बड़ी, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही ओवरऑल बहुत शदीद तरीन गर्मी पड़ रही है। और मैं सोचा कि दोपहर का टाइम है तो क्यों ना फालसे का जूस बना लिया जाए। और फालसा जो ना वैसे भी गर्मी को ये मतलब मारता है, मतलब कि बहुत अच्छा, मतलब ये एक फल है और ख़ासतौर पे जब इसका शरबत बना लिया जाता है ना तो ये बड़ा ही बेस्ट होता है। तो बस यहाँ पर मैंने फालसा डाला है, इसके अंदर थोड़ी सी चीनी डाली, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितनी आप चीनी लेते हैं शरबत के अंदर वो डाल लीजिए, और थोड़ा सा इसमें काला नमक डाला है और इसको मैं बना लूँगी जल्दी से शरबत। फालसे का शरबत थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है क्योंकि इसका पल्प वगैरह जो है ना वो छानना होता है। और बस लेकिन ये कि पीने में बड़ा मज़ेदार लगता है और ठंडा करके पिया जाए, चिल करके पिया जाए तो और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद। और ख़ास तौर पे जो जेंट्स हज़रात हैं, जो भी मतलब बच्चे बड़े जब घर से बाहर जाते हैं और जब वापस आते हैं तो बहुत शदीद गर्मी होती है, तो ये फालसे का जूस जो है ना वो बेस्ट है गर्मियों में। तो ये बना लीजिए और ठंडा ठंडा सर्व कीजिए और दुआएं समेटिए। तो यहाँ पर बस ये मैं इसको छान रही हूँ, तो मेरे पास इतनी बड़ी छलनी नहीं है, इससे थोड़ी सी बड़ी और छलनी हो ना तो इसका पल्प आसानी से छन जाता है। मतलब वो वाली छलनी नहीं जिससे भैंसों का दूध छाना जाता है, लेकिन इससे थोड़ी सी बड़ी छलनी ले लीजिए, उससे योगा के टाइम जो है वो कम लगेगा। ये भी मेरे पास बड़ी और अच्छा काम दे जाती है। तो यहाँ पर व्लॉग जो है ना वो मैं एक दो दिन का इकट्ठा करके दिखाऊंगी। और मेरी जो नंद आई हुई थी उनके बेटे की बर्थडे थी और आप ये समझ लें इमरजेंसी बर्थडे मनाई गई, क्योंकि जिस दिन वो लोग आए थे उसी दिन उनकी बर्थडे थी और हमारे माशाल्लाह से कोई और भी गेस्ट आए हुए थे तो सब ने मिलकर इस बर्थडे को सेलिब्रेट किया। तो मैंने इसलिए इसको इमरजेंसी बर्थडे का नाम दिया क्योंकि सब कुछ इमरजेंसी में सेलिब्रेट किया गया, लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। उसके भी आपके साथ वीडियो भी शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले बस मैं यहाँ पर इसका जो मैंने ये पल्प सा निकाला था ये दोबारा मैंने ग्राइंडर में डाल दिया है और इसके अंदर मैं थोड़ी सी चीनी और शामिल की क्योंकि ये पूरा मैंने जग भर के फुली बनाना है तो मुझे इसमें जो मिठास थी वो कम लग रही थी। तो बस मैं इसको अच्छे तरीके से दोबारा इसके पल्प को ग्राइंड कर रही हूँ ताकि इसके जो अंदर वाले जो बीज हैं वो अलग हो जाए, गुठली जो होती है इसकी फालसों की, और जो है वो शरबत बनकर तैयार हो जाए। और सबसे अच्छी बात यही है कि गर्मियों के अंदर जो है ना जितने भी जूसेस वगैरह हैं ना ख़ासतौर पे, मतलब ऐसे जूस जिसके अंदर पानी डाला जाता है वही ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए, जैसे सिकंजिन वगैरह है या फालसे का शरबत है, शेक वगैरह भी बच्चों को देने चाहिए। लेकिन ये कि जूसेस जो है ना फ्रेश जूसेस यानी कि वाटर बेस्ड जूसेस जो है ना वो ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए ताकि वो पानी की भी कमी को पूरा करते हैं और इसके अलावा मतलब कि भारीपन इतना महसूस नहीं होता। और 12-1 बजे के करीब ही होता है कि जो बच्चे स्कूल गोइंग हैं तो उनको भी दे दिया जाए तो ये बड़ा मतलब कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आप समझने के एनर्जी ड्रिंक भी होता है और समर ड्रिंक भी मतलब कि ये रहता है। तो बस यहाँ पर ये जूस बना के मैं रख दूँगी। और इसके साथ साथ ये भी है कि जब अचानक से मतलब कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए जिस तरह की हमारी हुई और मैं कोई भी व्लॉग इसी वजह से अपलोड नहीं कर सकी, आप लोगों के फिर मैसेज आते हैं कि आप कहाँ गायब थी, तो मैं कहीं गायब नहीं थी, मैं यहीं थी और बस माशाल्लाह से घर में कुछ रहमतें और बरकतें थीं। यहाँ पर बस मेरा ये काम हो गया तो जग के अंदर बस मैंने डाला पानी थोड़ा सा और लिक्विड जो डिश वॉशर होता है ना वो डालकर आप इसको थोड़ा सा चला दें अपने ग्राइंडर को, क्योंकि देखें इस ग्राइंडर में जूस भी बनता है और पेस्ट वगैरह यानी कि लहसुन अदरक के, तो ये तरीका इस्तेमाल करते हैं तो इससे ये होता है कि इसकी बिल्कुल भी स्मेल नहीं होती किसी चीज़ की और ये बिल्कुल इक्वली जो वॉश हो जाता है। तो ये देखेंगे बिल्कुल इसके अंदर झाग सी बन गई है और मेरा जो जग है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। और इसके साथ ही बस फ़ौरन के फ़ौरन मशीनरी को साफ करके रख दीजिए। तो बस यहाँ हो गया काम कम्प्लीट और अब मैं आपको कंपाइल करके दिखाती हूँ। ये जो जनाब हमारी इमरजेंसी जो बर्थडे हुई बड़ी मज़ेदार सी, तो ये कुछ सामान आया है बर्थडे के लिए और मैं इसको सर्व करने लगी हूँ और उसको खोलने लगी और देखती हूँ इसके अंदर क्या क्या है। और बस ये फटाफट से जो है क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो गया था कुछ तैयारियों में और कुछ गर्मी है तो सेटिंग वेटिंग में, और जो गेस्ट हैं वो भी बेचारे थके हारे आए थे तो बस फ़ौरन के फ़ौरन सेलिब्रेट किया। बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा को तो बस किसी की भी बर्थडे होती है ना उसको लगता है उसकी बर्थडे। तो बस आप बर्थडे को इन्जॉय कीजिए और बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ, और अब मुझे दीजिए इजाज़त। Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.